हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, कस्टडी से लेकर कई लोगों का मेरे पास मेल आया था। उन्होंने पूछा था बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड लेकर, तो मैंने काफ़ी मेहनत किया और एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, तो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि देखिए क्या पिता को कस्टडी बच्चे की मिल सकती है, वो भी छोटे बच्चे की जिसकी 2 साल की उम्र है या 3 साल की उम्र है, जिसकी एज है, और उसको क्या कस्टडी मिल सकती है। इससे रिलेटेड कई सारे मेल आए थे, तो मैंने फाइनली सोचा कि डिसाइड किया कि चलो संडे का दिन आज था, तो मैं सोचा चलो क्या सोचा चलो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। दिन में आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि मैंने कहीं और गया था किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें क्या, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला है जिसमें जो प्रतिवादी होता है वो अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल होता है, ठीक है। उसकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी समय पहले मतलब मृत्यु मौत हो जाती है, आत्महत्या द्वारा आत्महत्या कर लेती है। अब उसके जो घर वाले होते हैं, ठीक है, वाइफ के मायका वाले होते हैं, वो क्या करते हैं उस प्रतिवादी के प्रति, ठीक है, क्या कहते हैं, IPC की धारा 304B, 498A और 506 और 34 दहेज अधिनियम की धारा 3-4 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और केस चलता है, ठीक है। केस चलने के बाद जो माननीय उच्चतम क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, विचार करने के बाद में इस डिसीजन में पहुंचते हैं। उसमें होता है क्या, माँ तो होती नहीं है, पिता होता है और नाना नानी होते हैं, तो इसमें डिसीजन ये लिया जाता है बच्चे की, मतलब इसमें काफ़ी टफ होता है निर्णय लेना कि किसके पास बच्चे को छोड़ा जाए। तो दोनों पहलुओं पर, नाना नानी की तरफ और इधर जो प्रतिवादी था, दोनों की तरफ ध्यान देने के बाद में ये जो माननीय हाई कोर्ट महोदय ये निर्णय लेते हैं, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि जो पिता है वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होता है, तो उसमें क्या होता है उसके, मतलब उस बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया जाता है कि देखिए इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है उसको सांस्कृतिक, लोकायुक्त, मतलब कई सारे ऐसे क्षेत्रों में उसको अगर पिता के पास रहेगा तो उसको सारे अवसर मिलेंगे, उसको सेना में क्या कहते जो सेना में उसको एक अच्छा फ्यूचर भी मिल सकता है, उसके अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि ये नाना नानी के पास से ज़्यादा मतलब एक अच्छा जीवन उसे पिता से मिल सकता है। तो जो हाई कोर्ट होता है वो डिसीजन लेता है कि पिता बच्चे को पिता की ही कस्टडी, पिता के पास में कस्टडी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके पास सुनहरे फ्यूचर की एक अच्छा आसार दिख रहा है। वो ऐसा अगर वहाँ पे दिया गया तो बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दिया जा सकता है। तो जब आप लोग याद रखिए, कभी भी जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कस्टडी को लेकर, तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो बच्चे का फ्यूचर होता है किसके पास, माँ के पास ज़्यादा ब्राइट होगा या पिता के पास ज़्यादा ब्राइट होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर फैसला सुनाया जाता है। खासतौर पर जब कस्टडी का आता है, उसकी सुरक्षा, उसकी पालन पोषण, उसकी शिक्षा, एजुकेशन, उस सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर बेहतर होगा, और फिर जो कोर्ट होता है फिर डिसीजन लेता है कि किसके पास बच्चे को छोड़ा जाएगा। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड जो सवाल होता है, इन जो सबसे मैंने जो भी बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो जजमेंट सुनाते समय जो न्यायाधीश होते हैं उस पर विशेष ध्यान देते हैं, जो जस्टिस होते हैं उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और इस केस में होता क्या है, जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जो भी आरोप लगाए जाते हैं उसको खारिज कर दिया जाता है, और जो बेटा होता है, ठीक है, जो 2 साल 3 माह का होता है उसको पिता की कस्टडी मिल जाती है, पिता के पास रहने का, और क्योंकि उसके पास वहाँ पे फ्यूचर, पिता के पास फ्यूचर दिखता है, पिता एक सरकारी अर्धसैनिक बल होता है, वहाँ पर एजुकेशन के आसार दिखते हैं, खेल कूद के मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती है, फैसिलिटी दिखती है, इसलिए वहाँ पे उसको कस्टडी दी जाती है। तो जिनका भी ये सवाल था, आशा करता हूँ ये सवाल जो जिज्ञासा थी वो शांत हो गई होगी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं आता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और या आप मेल कर सकते हैं या अपना नंबर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको खुद कॉल करके आपको समझा दूंगा।
तो आशा करता हूँ समझ गया होगा। फिर मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।